हथीन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के दिव्यांगों छात्रों का मेडिकल परीक्षण कैंप पलवल के नागरिक अस्पताल में लगाया गया। कैंप में करीब 150 दिव्यांगों का मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण के उपरांत दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। सहायक परियोजना अधिकारी हुकुमचंद गौतम ने बताया कि कैंप में डॉक्टरों द्वारा हथीन ब्लॉक के दिव्यांग छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद में दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए। सर्टिफिकेट के आधार पर दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सहायक उपकरणों में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, हियरिंग, मैजिक स्टिक आदि शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के बस और ट्रेन के पास बनाए गए हैं। छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरणों की सलाह प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिव्यांगों की पेंशन भी बनाई गई है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। डॉक्टर इनका चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद में जो एड एंड अप्लायंसेस जिसकी वो उनका निर्धारण करेंगे, उसके हिसाब से उन बच्चों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, मैजिक स्टिक, हियरिंग एड या जो जिन बच्चों के अंग छोटे हैं, जैसे दो पैर, एक पैर अगर किसी का छोटा है तो एलिम्को नाम की कंपनी है, वहाँ से विशेषज्ञ आए हुए हैं, वो उन बच्चों का मेजरमेंट करके और उसके बाद में जो उनके लिए जूते या और जो उपकरण हैं जिनकी रिकमेंडेशन होगी, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर इन बच्चों को वो सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इन कैंपों का? इन कैंपों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन दिव्यांग बच्चों की जाँच करके उनके अंदर जो कमियाँ हैं और वो उपकरणों की सहायता से उनका फ़ायदा हो, उनको सहूलियत मिले, वो एक आम अपनी जीवन में, अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ वो झेल रहे हैं, उन कठिनाइयों को वो सामना ठीक ढंग से वो कर सकें, ये मकसद है हमारा। और साथ में सरकार की ओर से जो और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके साथ में ही दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर हमारे पास टीम आई हुई है, वो जो बच्चे 100% विकलांग हैं उन बच्चों के लिए रेल पास और बस पास बच्चों के लिए तथा एक असिस्टेंट के लिए, वो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं।